नमस्कार कंगना। नमस्कार। ये माइक उल्टा हो गया था, वैसे ही जैसे आप बने बनाए नियमों को नहीं मानती हैं, ऐसा हो जाया करता है। ऑलराइट। हर बार जब आप एक नया नियम बनाती हैं और पुरानी परंपराओं को ध्वस्त करती हैं तो लोग पहले पहले ऐसे ही हंसते हैं, जैसे इस माइक के उल्टे होने पर हंसा गया। आपको क्या लगता है इससे कितनी मुश्किल आती है, इस बगावती तेवर से जो हम आपको देखते हैं कि आप अक्सर ईगो हर्ट करती हैं, जैसा कि आप खुद एडमिट करती हैं, और जब हम आपका नाम शाहरुख और अमिताभ बच्चन की परंपरा में अगला नाम जोड़ते हैं कि ये नई नायक हैं, तो कितने उत्साह की बात है और कितनी मुश्किल की बात है आपके लिए? मुझे सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी जो जर्नी है वो काफ़ी अलग है। मैं आज अपने घर से मनाली से जब आ रही थी तो एयरक्राफ्ट में बैठ के मैं सोच रही थी कि आप लोगों से मिलना होगा और किस तरह के प्रश्न आएंगे, तो मुझे ऐसा लगा कि क्या मेरी जर्नी सच में ही इतनी अनयूजुअल है कि सिर्फ मुझे लगता है। तो उसमें एक ही आस्पेक्ट है जो उभर के बार बार आता है कि मुझे अपनी हर चीज़ के लिए लड़ना पड़ता है, हर चीज़ मुझे लड़के ही मिलती है, चाहे कुछ भी हो, छोटी से छोटी चीज़। अब वो ऐसा ही है, मेरी किस्मत ही ऐसी है या मेरी लाइफ ही ऐसी है, सो आई मेड पीस विद इट। और एक आई थिंक ये मेरी ज़िंदगी का एक नियम सा बन गया है, तो मुझे इससे अब कोई दिक्कत नहीं है। और मैं ये कहूँगी कि अगर आप में से कुछ लोग हैं जो कि सोचते हैं कि टू बी और नॉट टू बी, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपको बिल्कुल ही जैसे बगावत करने वाले या रेबल या लड़ाकू या जो भी कहें, आई डोंट टेक इट टेक एन ऑफेंस, अच्छा है जैसा है वैसा है, बट जो मेरा हक है वो तो मुझे लेके ही रहना है, चाहे लड़के मिले चाहे कैसे भी मिले।